हेलो बच्चों, आज पहला चैप्टर जो क्लास नाइन्थ का हम डिस्कस कर रहे थे उसकी एक्सरसाइज 1.4 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जरा इसकी हेडिंग समझिएगा, सरल रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम, थोड़ा तो टेक्निकल चीज है, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ठीक है, नंबर रेखा पर, नंबर लाइन पर संख्याओं को दिखाना, ये वो छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये नंबर लाइन है, ये संख्या रेखा है, आपने यहां जीरो दिखाया, यहां वन दिखाया, यहां वन टू दिखाया, वन और टू के बीच में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? तो आप कहेंगे भाई जैसे ये वन है, दूर दूर लिख दीजिए, वन है ये टू है, तो यहां 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 6, 7, 8, 9, यानी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2 ऐसे आ सकते हैं। हमने कहा ठीक है, 1.1 और 1.2 के बीच में क्या आ सकता है? तो आपने क्या किया, देखो क्या लिखा, आवर्धन प्रक्रम, यानी इन दोनों संख्याओं को जो नजदीक है ना, इनको लिया, थोड़ा जूम कर दिया, हमने 1.1 यहां लिख दिया और 1.2 यहां लिख दिया, इसके 10 टुकड़े किए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 1.11 हो गया, फिर 1.12 हो गया, फिर अगला 1.13 हो गया, 1.14 हो गया, 1.15 हो गया, इस प्रकार संख्याएं आएंगी, 1.11, फिर अगली 1.12, यहां पर संख्याएं लिखी हैं, फिर 1.13, फिर 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, फिर 1.2 आ जाएगा, फिर इनके संख्या आप बीच में ले लीजिएगा, फिर 1.111 शुरू हो जाएगा, तीन तीन संख्या आ जाएंगी। तो इस प्रकार से हम संख्याओं के बीच में संख्याओं को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्याओं को दिखाने के लिए आपसे कहा है, जरा समझिएगा। दो क्वेश्चन है, बहुत छोटे क्वेश्चन है, जरा समझने की कोशिश करिएगा इन संख्याओं को थोड़ा, चूंकि अब यहां पर बोर्ड में छोटा लिखेंगे दिखेगा नहीं और बड़ा लिखेंगे तो आएगा नहीं, इसलिए समझाने की मैं कोशिश करूंगा। कहते हैं 3.765 को दिखाओ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 3.765 को दिखाओ, पहले तो 3 को दिखाओ। ठीक, देखो ध्यान से, ये नंबर लाइन खींची हमने, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 3.765 किसके किस बीच में आएगा? आप कहेंगे 3 और 4 के बीच में आएगा, इस 3 और 4 के लिए एक नंबर लाइन खींच लो, बड़ी सी नंबर लाइन, और यहां लिखो 3 और यहां लिखो 4, दूर दूर लिखो, यानी ये दो संख्याएं थी ना, इसको मैंने थोड़ा सा जूम जैसे मोबाइल में करते हो बड़ा कर दिया, इसको दूर दूर लिख दिया, और इसके 10 टुकड़े कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, 3.1, 3.2, 3.3, 3 ऊपर नीचे लिखे, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4, यानी ये संख्या 3.7, ये देखिए आई है, ये 3.7 से बड़ी वैल्यू है, तो ये संख्या 3.7 और 3.8 के बीच में आएगी। अब 3.7 और 3.8 उठाओ और आप एक नंबर लाइन बनाओ, फिर इन्होंने कहा ना उत्तरोत्तर आवर्धन, इसको मैग्नीफाई करो, बड़ा बड़ा करके लिखो। देखिए, आप किताब देखोगे तो उसमें एक हैंडलेंस लगाए हैं बड़ा करने के लिए, यहां लिख दो 3.7 और यहां लिख दो 3.8, क्योंकि ये संख्या 3.7 3.8 के बीच में आएगी। तो अब क्या आएगा, इसके फिर 10 टुकड़े करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, थोड़ा नजदीक हो गया इधर के, देख लेना, ये क्या आएगा 3.71। अब आगे बढ़ेंगे, ये क्या आएगा 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, फिर 3.8। अब देखो 3.76 आ गया, अब ये संख्या 76 से भी बड़ी है, यानी 3.76 और 3.77 के बीच में है, फिर एक नंबर लाइन खींचो और इन दो 3.76 और 3.77 को जूम करो, ये 3.76 और ये 3.77,
और इसके 10 टुकड़े करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या आएगा 3.761। अब यहां इसके आगे शुरू हो जाएगा 3.762, 3.763, ये वाला पॉइंट 3.764, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3.77 ही आ गया। अब ये पॉइंट है 3.765, तो ये पॉइंट आपको मिला भाई, ये नंबर लाइन आपको दिखानी है, इस प्रकार से बीच बीच में नंबर करके दिखाना है, ठीक। ये पहला क्वेश्चन है। अगला देखो क्या कह रहा है, समझ आ गया होगा, तो टफ नहीं है, अगर समझ में ना आए तो दोबारा आप बता देंगे, दोबारा इसको हम समझा देंगे, फिलहाल समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन कहते हैं 4.26 को दशमलव के 4 डेसिमल करो। देखो 4.26 बार लिखा है तो 2626 या 4 अंक है, अभी 3 थे एक और बढ़ गया। देखो ये संख्या 4 से बड़ी है और 5 से छोटी है, तो 4 और 5 के बीच में है ना, तो हम क्या करेंगे नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक, और हम संख्या लिखेंगे 4 और लिखेंगे 5, बस काहे सब लिखेंगे, और 4 और 5 के 10 टुकड़े करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक मिनट जरा दूर दूर हो रहे हैं, ये 4 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आप स्केल से कर लेना, ये 4.1 होगा, ये 4 ऊपर नीचे लिख रहे हैं इसे कि आपस में थोड़ा मैच न करें, नजदीक हो जाएंगे, ये पॉइंट 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये 5 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 5 हो गया। अब देखो 4.2 तो मिल गया आपको, अब ये 4.2 से भी बड़ी वैल्यू है, तो 4.2 से बड़ी है लेकिन 4.3 से छोटी है, तो 4.2 और 4.3 को उठाओ और इसको जूम कर दो, एक नंबर लाइन और बनाओ, ठीक है, और यहां दिखाओ 4.2 और यहां दिखाओ 4.3, इसके 10 टुकड़े कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, दूर दूर कर देना, ये आएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4.3 हो गया। अब देखो 4.26 तो मिल गया, अब ये नंबर 26 से भी बड़ा है लेकिन 27 से छोटा है, तो 26 और 27 को उठाओ और इनको फिर जूम कर दो थोड़ा सा, यहां लिख दो 4.26 और यहां लिख दो 4.27, फिर 10 टुकड़े करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो ये क्या आएगा 4.261, क्योंकि देखो दशमलव 1, 2, 3, 4, 5 से 9 तक जाओगे और फिर संख्या अगली मिल जाएगी आपको, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.267, 4.268, 4.269, 4.27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक मिनट, 5 के बाद ये 6, ये 7, ये 8 और 4.269, देखो 4.262 मिल गया, 4.262, लेकिन ये 262 से भी बड़ी है लेकिन 263 से छोटी है, 263 से छोटी है, तो आप इसको उठाओ और इसको फिर जूम कर दो, यहां लिखो 4.262 और यहां लिखो 4.263, फिर 10 टुकड़े करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या आएगा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268,
4.2629 4.263। देखो ये 2 point, ये 4.2626 है, ये पॉइंट आपको मिल गया। इस प्रकार से नंबर लाइन पे इसको शो करेंगे। ये एक्सरसाइज 1.4 है, इसको लगा लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।